वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फैक्टराइज 27 पी क्यूब माइनस 1/216 - 9/2 p² + 1/4 × p, इसको फैक्टराइज करना है। हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ध्यान दें। आइडेंटिटी मैंने करवाई थी a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए बी ए माइनस बी, या इसी को हम a माइनस बी की होल क्यूब को लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, मल्टीप्लाई कर दो इससे, 3a² b, माइनस माइनस प्लस हो गया 3ab². ये दोनों सेम है, हम इसका यूज करेंगे, बेटर है। और आप ये सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। इसके लिए आपको आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता लग जाएगा। इसके 5 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स करके देखना आप, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। हमारा क्वेश्चन है 27 p³ - 1/216 - 9/2 p² + 1/4 p। देखेंगे, ये है हमारा राइट हैंड साइड a क्यूब। हमें हम ये किस नंबर की क्यूब होती है, ध्यान दें, 27 पता है आपको 3 की क्यूब होती है, तो 3, और p है ही हमारा, ये 3p की क्यूब हो गई। माइनस 1 की क्यूब 1 होता है, और 216 किसकी क्यूब होती है, 9, 6 की क्यूब होती है, इसकी क्यूब होती है 60, तो 1/6 की होल क्यूब हो गया। देखो, 1 की क्यूब करेंगे 1 आएगा, 6 की क्यूब करेंगे 216 आ जाएगा। माइनस ये हमारा फॉर्मूला बनता जा रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्या है हमारा 3p और b कितना है 1/6, तो माइनस, अब आपको 9/2 p², इसको इस तरह से लिखना है कि हमारा ये माइनस 3a² b बने। अब 3a² b बने, माइनस 3 अपनी तरह से ये लिखने हैं, 3a² b, a हमारा है ये, यहां पे देखो 3p, और b हमारा कितना 1/6। इस चीज को ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखें, 9/2 को p² को हमने ऐसे लिखा, अगर आप सॉल्व करेंगे 3 9p² × 1/6, वही आ गया 9/2p² हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए -3a² × b, नेक्स्ट +3a, a देखो a³ - b³, a हमारा कितना 3p, और b कितना है 1/6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो p/4 की जगह लिखा है ये हमने, किसकी जगह लिखा है p/, समझ रहे हो ना, किसकी जगह लिखा हमने p/4 की जगह। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p/4 ही आएगा, देखो 3 × 3p, 1/6 का स्क्वायर करा तो 1/36, ठीक है, 3 से कैंसिल किया 12, और 3 से यहां पे काटा 4, तो क्या आ गया p/4 आ गया ना, तो ये किसकी जगह लिखा हमने p/4 की जगह लिखा है, किस लिए कि 3ab² का काम करे। तो अब आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी हमारी ये क्या है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² a माइनस बी क्यूब, हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है। ये किसके इक्वल होता है, ये a क्यूब है, b³ - 3, देखो a 3p है, 3a² b + 3ab² a माइनस बी, a माइनस बी, b कितना हमारा 1/6 का होल क्यूब, इसको कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स, कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता था, अब ये 4 टर्म थी, ठीक है, इसको एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखना था, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3p - 1/6 × 3p - 1/6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
का सेकंड पार्ट वेरीफाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन दे रखा हमारा एनसीईआरटी में, ये हमारी आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी भी है जो कि मैंने करवाई थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने इसको वेरीफाई करना है, देखिएगा राइट हैंड साइड लें x माइनस वाई, अब ध्यान दें राइट हैंड साइड ली है हमने, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब लेफ्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि दिक्कत थी हमें राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म्स हैं, बेटर है इजी है सॉल्व करना x माइनस वाई। पहले इस x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, फिर y क्या हो जाएगा इस पूरे से मल्टीप्लाई। अब x से मल्टीप्लाई किया क्या होता, क्या हुआ एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स एक्स की स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस y से मल्टीप्लाई किया वाई एक्स स्क्वायर माइनस देखिए एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का ये माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कौन सी साइड है टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, फैक्टराइज 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। अब ध्यान दें हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में दी हुई थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए आइडेंटिटी हमारी मैं ए में लिख देता हूं, मैंने आपको आइडेंटिटी ए में लिखवाई थी ए और बी में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या कहें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, ये वही आइडेंटिटी है जो ऊपर लिखी हुई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम इसका यूज करेंगे ठीक है, आइडेंटिटी हम ये यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 64 एन की क्यूब, किसका क्यूब होता है ये 4 एन क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है 7 का, देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 तो 7 एन क्यूब। अब इस पर आइडेंटिटी लगाएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए कितना हमारा 4 एन ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस बी स्क्वायर बी कितना हमारा 7 एम ए इंटू बी ए इंटू बी। हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी कहें या ए और बी में बोलें एक ही बात है, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी 4 एम माइनस 7 एम 4m का स्क्वायर करें भाई 16m की स्क्वायर ठीक है, समझ आ रहा है ना 7 की 7n की होल स्क्वायर क्या होगा भाई 49n की स्क्वायर 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28m into n, ये दो फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स का मतलब आपको पता ही है, ये भी इसको जो हमारे पास दिया हुआ था कंप्लीट डिवाइड करेगा और ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल है ये भी इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, दो फैक्टर्स हो गए हमारे।